हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट भाई। वैसे आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू हिट 4 इन क्रिकेट। वैसे इस टॉपिक को मैंने इसीलिए चूज़ किया क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है और यूट्यूब पे काफ़ी कम लोगों ने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है। और जिन लोगों ने भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है, मैंने उनके वीडियोज़ भी जाके देखे, पर उनके वीडियोज़ मुझे इतने इफेक्टिव नहीं लगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ कुछ और टिप्स शेयर करूँ, जिसे प्रैक्टिस करने के बाद आप आसानी से, बहुत ही आसानी से ग्राउंडेड शॉट मारना सीख जाओगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। चलिए फिर हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी फर्स्ट टिप है प्ले ऑन फ्रंट फुट और बैक फुट। एक बैट्समैन के लिए सबसे चैलेंजिंग टास्क जज करना होता है कि वो कौन सी बॉल को फ्रंट फुट पे जाके खेले और कौन सी बॉल को बैक फुट पे जाके खेले। अगर आप भी एक बैट्समैन हो तो आपके मन में ये डाउट जरूर आता होगा, पर आज के इस वीडियो में मैं आपके इस डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रंट फुट की। आपको कौन सी बॉल फ्रंट फुट पे जाके खेलनी है। अगर बॉल आपके कमर के नीचे की है तो आपको उस बॉल को फ्रंट फुट पे जाके खेलनी है। अगर बॉल की लेंथ आपके कमर के नीचे की है तो आप उस बॉल को जाके फ्रंट फुट पे जाके खेलोगे। अगर आपने इस बॉल को गलती से भी बैक फुट पे जाके खेलने की कोशिश की तो बॉल मिस होकर आपके स्टंप पर भी लग सकती है या फिर आपके बैट से उतने अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं बैक फुट की। आपको कौन सी बॉल बैक फुट पे खेलनी चाहिए। बैक फुट पे आपको वो बॉल खेलनी चाहिए जो आपके कमर लेवल के ऊपर की हो। अगर बॉल की लेंथ आपके कमर लेवल के ऊपर की है तो उस बॉल को आप बैक फुट पे जाके खेलोगे। बैक फुट पे जाके खेलने का फ़ायदा ये है कि आपका पूरा कंट्रोल रहता है उस शॉट में। अगर आपने गलती से भी फ्रंट फुट पे जाके खेलने की कोशिश की तो बॉल सीधा आपके सर पे भी लग सकती है। तो ये बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, इस टेक्निक को फॉलो कीजिए। बॉल की लेंथ के हिसाब से अपना शॉट खेलिए, आप भी बहुत आसानी से 4 मार लोगे क्रिकेट मैच में। तो हमारी सेकेंड टिप है फाइंडिंग द गैप। अगर आप हर बॉल पे चौका मारना चाहते हो तो आपकी सारे शॉट्स गैप में जाने चाहिए। एज अ बैट्समैन अगर आप फील्डर के बीच में से बॉल निकाल लेते हो तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही आसानी से चौका मार सकते हो। पर कुछ ऐसे भी बैट्समैन हैं जिनकी बॉल सीधा फील्डर के हाथ में चली जाती है, वो गैप नहीं निकाल पाते। तो मैं आज इस वीडियो में एक ऐसी ड्रिल बताने वाला हूँ, बहुत ही मज़ेदार ड्रिल है। चलिए हम उस ड्रिल को देखते हैं। तो इस ड्रिल को करने के लिए आपको दो स्टंप्स लेने हैं और इन दोनों स्टंप्स को आपको 30 yard सर्कल के अंदर रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टंप्स आपको लगाने कहाँ पे? तो मैं आपको बता दूँ, ये स्टंप्स आपको वहाँ पे लगाने हैं जहाँ पे आपको गैप में शॉट मारने की प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने ये दो स्टंप्स कवर और मिड ऑफ के दोनों फील्डर के बीच में लगाए हैं क्योंकि मुझे इन दोनों फील्डर के बीच में से बॉल निकालने की प्रैक्टिस करनी है। अब आप बॉलर को बोलो कि आपको बॉलिंग करें और बॉलिंग करते वक्त आप अपनी कोशिश पूरी ये करना कि आपकी बॉल इन दोनों स्टंप्स के बीच में से निकले। तो इस तरह प्रैक्टिस करने से आप बहुत ही आसानी से अपने शॉट गैप में मारने लग जाओगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रिल है, चलिए मैं आपको ये ड्रिल एक बार करके दिखा देता हूँ। तो हमारी थर्ड टिप है प्ले क्लोज टू योर बॉडी। तो मैं अक्सर आप लोगों को ये बोलते रहता हूँ कि बॉल का वेट करो, बॉल के अपने बॉडी के क्लोज आने दो और फिर क्लोज आने के बाद आप शॉट खेलो ताकि आपका पूरा कंट्रोल रहे उस शॉट में। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आपको चौका मारना है तो बॉडी के क्लोज खेलना कितना इम्पॉर्टेंट है। अब मान लो अगर बॉल यहाँ पे पिच हुई है, अगर मुझे इस बॉल पे चौका मारना है तो आप देख सकते हो बॉल मेरी बॉडी से काफ़ी दूर है। अब कुछ बैट्समैन क्या करते हैं, कुछ बैट्समैन अब सीधा अपने बैट को ऐसे बॉल की तरफ ऐसे फेंक देते हैं। अब आप देख सकते हो मेरा बैट का जो फेस है वो एकदम ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ होने से क्या होगा, बॉल सीधा मेरी हवा में चली जाएगी। अगर बॉल एक बार हवा में गई तो आपके कैच आउट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर आपको हर बॉल पर चौका मारना है तो आपको सारे शॉट्स अपने बॉडी के क्लोज खेलने हैं। अब बॉडी के क्लोज खेलने से फ़ायदा क्या होता है, चलिए मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब मान लो अगर बॉल यहाँ पे पिच हुई है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपना फ्रंट फुट बॉल की तरफ लेकर जाऊँगा। अब आप देख सकते हो मेरा बॉडी एकदम बॉल के लिए क्लोज है। अब मेरा पूरा कंट्रोल है इस शॉट पे। अब जब मैं खेलने जा रहा हूँ इस शॉट को तब आप देख सकते हो मेरे बैट का जो फेस है वो ग्राउंड की तरफ है, मतलब नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही बॉल मेरे बैट से लगेगी वो ग्राउंड पे ही रहेगी, हवा में नहीं जाएगी, हवा में जाने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इस
ये बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, इस टेक्निक को याद रखिए, अप्लाई करिए अपने बैटिंग में, आपके आउट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो हमारी फोर्थ टिप है प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके बैटिंग में इंप्रूवमेंट आएगी। सिर्फ मेरे वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, मेरे वीडियोज़ में मैंने जो आज टिप्स बताई है उन टिप्स को फॉलो कीजिए और अप्लाई कीजिए अपनी बैटिंग में, फिर जाके आपको बैटिंग में अपनी बैटिंग में इंप्रूवमेंट दिखेगा। और आज मैंने जो आप लोगों के साथ एक ड्रिल शेयर की है उस ड्रिल को ज़रूर करना, बहुत ही मज़ेदार ड्रिल है वो। वो ड्रिल करने के बाद आप बहुत ही आसानी से अपने शॉट्स गैप में मारने लग जाओगे। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, आपकी कमेंट का रिवर्ट करके मैं आपकी हेल्प करूंगा। और मुझे ये ज़रूर सजेस्ट कीजिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊं। और हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, ये हमारा यूज़र नेम cricketbio1, और हमें यहाँ से सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।